भाभी और देवर का रिश्ता ही तो नोकझोंक वाला होता है, लेकिन इस बार जो भाभी ने जो हमला किया है वो बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप बिहार का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे भाभी और देवर की और उनके नोकझोंक की। तो इस बार जो भाभी ने जो हमला किया है वो बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है, बेहद संवेदनशील है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार में राजनीति में भाभी और देवर के नाम से मशहूर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी की। राबड़ी देवी ने अपने ट्विटर अकाउंट से आज नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि याद करो इस निर्दयी सुशासनी सरकार का गर्भाशय घोटाला। जी हाँ, उन्होंने जो तंज जो कसा है, जिस बात पे उन्होंने चोट की है भाभी ने, वो नीतीश सरकार के समय में हुए जो सुशासनी सरकार पे उन्होंने गर्भाशय घोटाले पे उन्होंने तंज कसा है। और उन्होंने लिखा है ट्विटर पे कि याद करो इस निर्दयी सुशासन सरकार का गर्भाशय घोटाला, इन दरिंदों ने माओं की कोख भी नहीं छोड़ा। क्या ऐसे अमानवीय लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार है? इसके साथ ही उन्होंने एक सवालिया निशान बना दिया है और कहा है, उन्होंने आरोप लगाते हुए राबड़ी देवी ने कहा है कि इस सुशासनी सरकार जो है, जो सुशासन का तमगा लिए घूमती है, उन्होंने माओं का कोख तक नहीं छोड़ा था। क्या ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार है? और उसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पे इस ट्वीट के साथ एक फोटो भी जारी किया, एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें एक गर्भाशय घोटाला बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि महिलाओं को बांझ बनाने वाली सरकार का गर्भाशय घोटाला। और उसके बारे में उन्होंने डिटेल देते हुए लिखा है कि इस घोटाले में, यानी कि गर्भाशय घोटाले में 33 अस्पताल शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब गर्भाशय घोटाला हुआ था सुशासनी सरकार के कार्यकाल में, उसमें कुल 33 अस्पताल शामिल थे। 20 साल तक की बेटियों के भी गर्भ को निकालकर बेच दिया गया था। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 20 साल की जो एक युवा अवस्था की जो किशोरी होती है, उसके भी जो गर्भाशय है उसको निकाल करके बेच दिया गया था। ऐसा राबड़ी देवी के ट्विटर अकाउंट से जो पोस्ट हुआ है उस पोस्टर में लिखा हुआ है। और तीसरी जो एक पॉइंट लिखी हुई है उसमें कहा गया है कि पैसों के लिए स्वस्थ महिलाओं के मातृत्व के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है जो बेहद संवेदनशील है, महिलाओं के मुद्दे को लेकर के, किशोरी के मुद्दे को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार जो सुशासनी सरकार है, उसके काल में जो गर्भाशय घोटाला हुआ जिसमें 35 अस्पताल शामिल थे, उसमें जो किशोरी थी, जो 20 साल तक की जो बालिकाएं थी, उसके भी, उसको भी नहीं बख्शा गया और उसके जो गर्भ को निकाल करके, गर्भाशय को निकाल करके बेच दिया गया था। उन्होंने कहा है कि पैसे के लिए जो स्वस्थ महिलाएं थी उनको भी बांझ बना दिया गया, उनके भी मातृत्व के साथ छेड़छाड़ की कर दी गई। और उन्होंने इसके साथ एक बड़ा आरोप लगाया है कि महिलाओं को बांझ बनाने वाले बने बैठे हैं जनता के रखवाले। उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं को बांझ बनाई जिस सरकार ने जो इतना बड़ा गर्भाशय घोटाला किया, महिलाओं की जो एक मातृत्व होती है उसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया, जिस सरकार ने, वही सरकार आज दावा करती है कि हम जनता के रखवाले हैं, हम बेटियों के रखवाले हैं, हम मातृत्व के रखवाले हैं। तो राबड़ी देवी ने जो आज जो भाभी है उन्होंने देवर को आज जो लपेटा है, एक बड़ा, एक जो संवेदनशील मुद्दा है उस पर देवर को लपेटा है, नीतीश कुमार पे एक बड़ा हमला बोला है। आज ये हमला बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है और आगे क्या होता है, क्या प्रतिक्रियाएँ आती है वो तो देखने वाली बात होगी, वो तो आगे का समय बताएगा। लेकिन राबड़ी देवी ने एक जो महिलाओं की जो अपनी जो मातृत्व वाली जो सुख होती है उसके साथ जो एक घोटाला हुआ था जिस पर आरोप लगाया है राबड़ी देवी ने, आज खुलकर नीतीश सरकार पे और सुशासन की सरकार पे राबड़ी देवी ने एक बड़ा हमला बोला है। तो खबरों का जो सिलसिला है लगातार भारत लाइव पे जारी है। भारत लाइव को अपना प्यार देते रहें और देखते रहें भारत लाइव। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।